करते अब पढ़ना चालू करते हैं, है ना। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर का नाम है साधनवाद, है ना। तो पहले में हम लोग क्या पढ़ रहे, योग का स्वरूप, उसके फल प्राप्त होता है इत्यादि। अब फिर उसके बाद सेकंड में क्या है, जो निर्भीक समाधि प्राप्त करने का जो उपाय है ना, तो उसको साधनपाद नामक, ये जो हमारा दूसरा अध्याय है उसमें बताने का शुरुआत किया गया है। तो सबसे पहला हमारा जो सूत्र है उसमें महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, है ना। तो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों क्या है, क्रिया योग है। ठीक है, मतलब तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। एक मिनट में बहुत सारे तो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये क्या है, क्रिया योग है। तो तप क्या, किसको बोलेंगे, अपने वर्ण आश्रम परिस्थिति और योग्यता के अनुसार स्वधर्म का पालन करना, और उसके पालन में जो शारीरिक या मानसिक अधिक से अधिक कष्ट प्राप्त हो उसे सहन करना, इसका नाम क्या है, तप है। अर्थात शारीरिक या मानसिक दोनों ही रूप से जो हमको कष्ट प्राप्त होता है, जो द्वंद होते हैं, है ना, उनको सहन करना क्या कहलाता है, तप। उसके बाद क्रिया योग का दूसरा अंग है हमारा स्वाध्याय, है ना। तो क्या बोलते हैं, इससे पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो इसमें क्या है, जिससे अपने कर्तव्य अकर्तव्य का बोध हो सके, ऐसे वेद शास्त्र, महापुरुषों के लेख, पठन पाठन और भगवान के ओंकार आदि किसी नाम का या गायत्री जप का और किसी भी इष्ट देवता के मंत्र का जप करना क्या कहलाता है, स्वाध्याय कहलाता है। और इसके सिवा अपने जीवन का अध्ययन भी क्या कहलाता है, स्वाध्याय कहलाता है। तो स्वाध्याय के क्या है, हम लोग तीन अर्थ समझते हैं ना, वेद शास्त्र महापुरुष आदि का जो पठन पाठन है ये, या फिर इसके अलावा ओंकार या गायत्री का या इष्ट देवता के नाम का करते हैं वो कहलाएगा स्वाध्याय, या फिर इसके नाम आता है बोल साधक स्वाध्याय। अच्छा, सबको हो रही है क्या, सबको हो रही है क्या? थोड़ी सी हुई थी। यस मैम, यस मैम, आवाज जा रही है आपकी। मैं ना वीडियो ऑफ यस कर मैम। देती हूँ, स्क्रीन तो विजिबल है ना। अब ब्रेक होगा तो बताइएगा, है ना, लेकिन पहले आपस में कंफर्म कर लीजिएगा, उसके बाद बताइएगा। चलिए, तो स्वाध्याय तक आया आप लोगों को समझ में, आया कि नहीं यस आया क्या? मैम, यस हेलो, यस मैम, डिस्कनेक्ट हो गई हूँ क्या मैं? हाँ ठीक है, फिर ओ ये हुआ स्वाध्याय। और उसके बाद क्रिया योग का तीसरा अंग क्या है, ईश्वर प्रणिधान। बताइए ईश्वर प्रणिधान के बारे में कहाँ पर पढ़े हैं हम लोग, साधन पाद समाधि, में ईश्वर प्रणिधान के बारे में कहा तो नहीं है। हाँ, 23 साधन पाद यही नंबर है ना। समाधि पाद में, सॉरी, हाँ, 23 इसमें, सूत्र। हाँ, समाधि पाद में, समाधि पाद के 23 नंबर के सूत्र में, है ना। तो ईश्वर की शरणागति का नाम क्या है, ईश्वर प्रणिधान है ना। तो इसके द्वारा भी क्या है, ये तीनों क्या है, क्रिया योग है, और इसके द्वारा क्या है, हमको निर्वीज समाधि की प्राप्ति होती है। तो ये क्रिया योग का सॉरी क्रिया योग क्या है, इसके द्वारा हम क्या है, निर्वीज समाधि प्राप्त करने का उपाय बताते हैं, है ना। तो पहला उपाय हम लोग क्या देखेंगे, ये इसमें क्रिया योग, तो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों क्या है, क्रिया योग के अंतर्गत आते हैं। अब उसके बाद क्रिया योग हम लोग करेंगे तो कुछ तो एडवांटेज होगा, तभी ना करेंगे, है ना। तो उसका एडवांटेज बता रहे हैं क्या होता है, कि समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थ, ठीक है। तो यह जो क्रिया योग है क्या करता है, समाधि की सिद्धि करने वाला, समाधि भावनार्थ अर्थात समाधि की सिद्धि करने वाला, और दूसरा है क्लेश तनु करनार्थस्य, क्लेश को क्या कर देता है, तनु कर देता है। जैसे कि आप लोग स्कूल में भी जब रहे होंगे ना, तो एसिड और बेस पढ़ते हैं ना साइंस में, तो उसमें क्या बोलते हैं, तनु अम्ल होता है और एक उसका अपोजिट होता है ना। तो तनु का क्या अर्थ है, जो मतलब जिसमें क्या है, एसिड की मात्रा कम रहती है और पानी ज्यादा रहता है ना। तो उसी प्रकार क्या है, ये जो क्लेश है ना, जो एकदम मतलब स्ट्रांग रहता है उसको क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। तो क्रिया योग के क्या है, दो एडवांटेज हुए, पहला होगा समाधि की सिद्धि और दूसरा है क्लेशों को तनु कर देता है, क्षीण करने वाला होता है ना, उसको कमजोर कर देता है।
तो समाधि की सिद्धि, तो समाधि क्या है ये तो हम लोग पहले चैप्टर में जान चुके हैं, है ना। तो अब क्लेश क्या है, तो इसको बताने के लिए जो नेक्स्ट नंबर का सूत्र है उसमें बतलाते हैं, ये एक बार पढ़ लेती है ना, उपर्युक्त क्रिया योग अविद्या आदि दोषों को क्षीण करने वाला और समाधि। तो मैम फिर से वॉइस ब्रेक हो गई मैम, वॉइस और मतलब वो भी नहीं दिख रही मैम स्क्रीन में, ऑफ हो गई है मुझे तो मैम ही नहीं दिख रही थी। परंतु हाँ, परंतु क्लेश मैम आवाज भी नहीं आ रही मैम, आप भी नहीं दिख रहे मैम स्क्रीन भी नहीं दिख रही। आवाज आ रही क्या मैम की किसी को? नहीं आ रही है। नहीं आ रही ना, कोई स्क्रीन ही शो हो रही। स्क्रीन भी नहीं दिख रहा है मैम, मैम भी नहीं दिख रहे मैम, है नहीं क्लास में मैम, मैम ही चले गए कहीं पर लगता है, शायद मैम को पता नहीं, मैसेज कर दो मैडम के पास इंजेक्शन होते। उन्होंने ग्रुप में वेट करने के लिए कहा है, कुछ नेटवर्क एरर हो रहा है। हेलो हेलो, यस मैम, यस मैम। हाँ कितने टाइम से डिस्कनेक्ट हो गई थी मैं, कहाँ तक है? अच्छा ठीक है, क्रिया योग, मतलब क्रिया योग का फल यहाँ तक आ गई समझ में मैम। अगेन शी लेफ्ट आई थिंक, दिखाई दे रहे फिर से।
हेलो यस मैम वॉइस आ रही है मेरी यस मैम यस मैम कहाँ तक हुआ था मैम सेकंड क्लियर नहीं हुआ सेकंड ना समझ नहीं आया था ओके ठीक है चलिए स्क्रीन विजिबल है मेरी यस मैम फोर्थ को मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था फोर्थ को करके फिफ्थ में जाने वाली थी है ना कॉल कर दिया कीजिए अगर ऐसा डिस्कनेक्ट होता है तो क्योंकि पता नहीं चलता है ना तो हाँ ये समाधि भावना सेकंड नंबर देखो पहले में हम लोग क्या पढ़ रही है क्रिया योग के बारे में तब स्वाध्याय और तो क्या बोला जाता है क्रिया योग बोला जाता है तो उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सूत्र में क्या है इस क्रिया योग का फल बतला रहे हैं है ना तो उससे क्या दूसरे नंबर के सूत्र में कहा गया है कि समाधि भावार्थ प्लस तनु कर्मार्थस्य तो उससे क्रिया योग का पालन करने से क्या हुआ है पहला होता है हमारी समाधि की सिद्धि और दूसरा होता है अविद्या आदि हमारे जो पंच क्लेश है उसको क्या है ये नष्ट करने वाला या क्षीण करने वाला होता है ना तो अब समाधि इत्यादि के बारे में तो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं है ना समाधि आदि हमारे तो अब ये क्लेश क्या है तो इसको बतला रहे हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेश अर्थात ये अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश ये क्या है हमारे पंच क्लेश है अब उसके बाद ये जितना भी व्याख्या दिया हुआ है आप लोग पढ़ेंगे है ना तो नेक्स्ट सूत्र में कहा गया है अब क्लेशों की अवस्था के भेद बतलाते हुए यह बात कहते हैं कि इन सब का मूल कारण क्या है स्किप हो गया क्या कोई भी ये तीन हुआ हमारा और ये हाँ अब उनकी क्या है अवस्था के भेद बतलाते हुए यह बात कहते हैं कि इन सब का मूल क्या कारण क्या है अविद्या है तो फोर्थ नंबर का जो हमारा सूत्र है उसमें कहा गया है अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्त तनु विक्षिन्न उदाराणा तो जो जो प्रसुप्त तनु विक्षिन्न और उदार इस प्रकार चार अवस्थाओं में रहने वाले हैं मतलब वर्तमान में रहने वाले हैं एवं जिनका वर्णन तीसरे सूत्र में अविद्या के बाद किया गया है उन अस्मिता आदि चारों क्लेशों का क्षेत्रम या कारण क्या है अविद्या है मतलब मुख्य रूप से इसमें ये कहा गया है कि ये जो हमारे जो चार टोटल हमारे क्लेश कितने हैं पांच है ना तो सबसे पहला क्या आता है हमारा अविद्या उसके बाद के जो चार है मतलब कौन कौन से अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश इन सब का जन्म या इन सब का कारण क्या है अविद्या अर्थात ये क्या है अविद्या के कारण उत्पन्न होते हैं है ना और इसकी अवस्था कितने प्रकार की होती है चार प्रकार की तो पहला है प्रसुप्त फिर तनु विक्षिन्न और उदार है ना तो प्रसुप्त का अर्थ क्या है जो चित्त में विद्यमान रहते हुए भी जिस समय जो क्लेश वॉइस ब्रेक हो गया मैम फिर से कार्य नहीं कर रहा है स्पीड नहीं हो रहा है ना मैम वॉइस ब्रेक हो गई मैम एक बार फिर से बोलिए अच्छा ठीक है ये हम लोग फोर्थ में है थर्ड तक क्लियर हुआ ना वहां तक सुनाई दिया ना ठीक से यस मैम हेलो हाँ अब फोर्थ का देखते हैं है ना तो उसमें क्या बोला गया है अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्त तनु विक्षिन्न उदाराणाम है ना तो ये जो हमारे पंच क्लेश है ना अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश तो जो हमारा पहला नंबर है ना अविद्या यही क्या है इन चारों जो हमारे केस क्लेश है उसके उत्पन्न होने का कारण है ना तो अविद्या को क्या है जो बाकी हमारे जो चार और शेष क्लेश है उसका क्या कहा जा सकता है जननी कहा जा सकता है ना और फिर उसके बाद जो इनकी क्या है चार अवस्था होती है ना प्रसुप्त तनु विक्षिन्न और उदार तो अब प्रसुप्त किसको बोलेंगे तो चित्त में विद्यमान रहते हुए भी जिस समय जो क्लेश अपना कार्य नहीं करता उस समय उसे क्या कहा जाता है प्रसुप्त कहा जाता है और प्रलय काल और सुषुप्ति में चारों ही क्लेशों की प्रसुप्त अवस्था रहती है प्रसुप्त का अर्थ क्या समझेंगे जैसे कुछ भी चीज है मतलब वो क्या है चित्त में विद्यमान रहता है वो क्लेश लेकिन उस समय क्या है वो अपना कार्य
नहीं करते रहता है, तब उसको क्या बोला जाता है, प्रसुप्त कहा जाता है। ठीक है, मतलब वो नष्ट नहीं हुआ है, वो है लेकिन उस समय वो कार्य नहीं कर रहा है, तब उसको क्या बोलेंगे, प्रसुप्त बोलेंगे। फिर उसके बाद दूसरा है तनु, है ना, तो क्लेशों में जो कार्य करने की शक्ति है उसका जब योग के साधनों द्वारा क्या है, नाश कर दिया जाता है, तब वे हीन शक्ति वाले क्लेश तनु कहलाते हैं। देखने में भी आता है कि ये राग द्वेष आदि क्लेश साधारण मनुष्यों की भांति साधकों पर अपना आधिपत्य नहीं जमा सकते, अर्थात साधारण मनुष्यों की अपेक्षा साधकों पर उनका प्रभाव बहुत कम पड़ता है। इसमें क्या बोला गया है, क्लेशों में जो कार्य करने की शक्ति है उनका क्या है, जब योग साधन के द्वारा, योग में जो भी साधन बताए गए हैं, है ना, क्रिया योग और ध्यान इत्यादि, तो उसके द्वारा क्या है, उनका ह्रास कर दिया जाता है। तो क्या है, उनकी शक्ति अब समाप्त हो गई या फिर कमजोर हो गई, है ना, तो कमजोर हो गई, तो इसी कारण उसे क्या कहा जाता है, तनु कहा जाता है। इससे पहले भी जो सेकंड नंबर का एडवांटेज है उसमें हमने देखा ही था ना, क्रिया योग का ही समाधि भावना था, क्लेश तनु करना था, मतलब क्या है, उनकी शक्ति कमजोर हो जाती है तब उसको क्या बोला जाता है, तनु कहा जाता है, है ना। फिर तीसरी अवस्था है उसको बोलते हैं विक्षिन्न, जब कोई क्लेश उदार होता है उस समय दूसरा क्लेश दब जाता है, वह उसकी विक्षिन्न अवस्था है, जैसे राग की उदार अवस्था के क्षण में द्वेष दब जाता है और द्वेष की उदार अवस्था में राग दब जाता है। विक्षिन्न और उदार है क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है ना, इन दोनों को हम लोग साथ में पढ़ते हैं, पहला क्या है विक्षिन्न और दूसरा क्या है उदार। अब जैसे कि इसको लाइव एग्जाम्पल, इसको ना एग्जाम्पल के थ्रू समझ, ठीक है, मेरे पास अभी क्या है, लैपटॉप है ना, और उसके बाद क्या है, मोबाइल भी है, लेकिन मैं यूज किसका कर रही हूँ, लैपटॉप का, लेकिन मोबाइल का यूज अभी मैं नहीं कर रही, है ना, तो लैपटॉप का यूज कर रही हूँ तो वो क्या कहलाएगा, उसकी उदार अवस्था, है ना, और मोबाइल यूज में नहीं हो रहा है तो ये क्या कहलाएगी, इसकी विक्षिन्न अवस्था। आया समझ में, तो एक के मतलब एक जब, हाँ, तो विक्षिन्न अवस्था में जैसे राग की उदार अवस्था में, है ना, राग भी क्या है, हमारा क्लेश है, तो जिस समय राग रहेगा उस समय द्वेष दब जाता है, तो वो द्वेष की क्या होगी, विक्षिन्न अवस्था, और राग की क्या होगी, उदार अवस्था, और जब द्वेष क्या है, वो जब अपना कार्य करते रहेगा, है ना, तो वो उदार अवस्था में होगा और राग है क्या है, उस समय दबा हुआ रहेगा, तो वो उसकी क्या होगी, विक्षिन्न अवस्था। आया समझ में? यस मैम। हाँ, आगे बढ़े। यस मैम। चलिए, हाँ, तो उपर्युक्त पांचों क्लेशों में अस्मिता आदि चार क्लेशों के ही क्या है, प्रसुप्त आदि चार अवस्था भेद बतलाए गए हैं, अविद्या के नहीं, क्योंकि वह अन्य चारों का कारण है, उसके नाश से सबका सदा के लिए समूल नाश हो जाता है। मतलब ये बोला गया है कि वो जो चारों अवस्था बताई गई है, कौन कौन सी, प्रसुप्त, तनु, विक्षिन्न और उदार, ये सब किसकी अवस्था है, जो हमारे शेष जो चार क्लेश है, है ना, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये उनकी अवस्था है, और जो ये है हमारा अविद्या, उसकी नहीं है। क्यों? क्योंकि यही जो हमारा अविद्या क्लेश है वो बाकी चारों क्लेशों का क्या है, कारण है, और अविद्या ही नष्ट हो जाएगी तो बाकी के सब क्या है, समूल रूप से, मतलब क्या है, उनका जड़ से वो है समाप्त हो जाएगा। आया समझ में? अगर जो क्वेश्चन आता है कि ये चार किसके अंडर में आते हैं, तो हमें अविद्या लेना है या फिर वो जो बाकी चार का लेना है? मूल कारण अविद्या को क्या बोला जाता है, जो सभी शेष क्लेश हैं हमारे चार, उसकी जननी कहा जाता है, है ना, वही उसका कारण है, जिसके कारण वो उत्पन्न होता है, जैसे प्रकृति को बोला जाता है ना जननी करके, है ना, क्योंकि उसी से क्या है, जब आप लोग विकासवाद पढ़ेंगे, हाँ सही बोल रहे हो आप, ठीक है। जो उदार और विक्षिण है ना, वो किसके अंडर में आएंगे, जो क्वेश्चन आता है कि ये किसके अंडर में आते हैं, उदार और विक्षिण? मैम वो तो अवस्था है ना क्लेशों की, वो अवस्था है, अवस्था है, वो क्लेश का टाइप नहीं है, वो क्लेशों की अवस्था है, ठीक है, वो अविद्या को छोड़ के बाकी के चार क्लेशों की अवस्था है। जैसे हमारी भी क्या है, अवस्था होती है ना, पहले हम लोग छोटे थे, अब क्या है, बड़े हो गए हैं, फिर उसके बाद कुछ समय बाद हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, है ना, तो ये क्या हुई, हमारी अवस्था ही तो हुई, तो उसी तरह क्या है, जो प्लेस है उनकी भी क्या होती है, अवस्था होती है। आया समझ में? हाँ मैम। ठीक है, आप पढ़ तो लिए है ना, पांच प्रकार के क्लेश होते हैं, है ना,
तो अब सबसे पहले किसके बारे में बतला रहे हैं, अविद्या के बारे में। तो अब अविद्या के स्वरूप को बतलाते हैं। तो अविद्या के स्वरूप को पांचवें नंबर का हमारा जो सूत्र है उसमें कहा गया है कि अनित्या सूची दुखान आत्मसु नित्य सूची सुखात्मख्याति अविद्या। अर्थात अब देखिए एक एक से करके ना रिलेट करते जाएंगे, ये अनित्य ये नित्य, ठीक है। तो अब क्या है, अनित्य को हम लोग नित्य समझेंगे, असूची मतलब अपवित्र है ना, अपवित्र को क्या समझेंगे, पवित्र समझेंगे। फिर दुख, ठीक है, दुख को क्या समझेंगे, सुख समझेंगे। और अनात्मा है ना, तो अनात्मा में क्या है, आत्मभाव की जब अनुभूति करेंगे तो इसी को क्या बोला जाता है, अविद्या कहा जाता है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, है ना। श्लोक और परलोक के समस्त भोग और भोगों का आयतन यह मनुष्य शरीर भी क्या है, अनित्य है। तो ये हमारा मनुष्य शरीर अनित्य है, उसको क्या समझते हैं, नित्य रूप समझने लगते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या है, इसी प्रकार हाड़ मांस मज्जा आदि अपवित्र धातुओं के समुदाय रूप अपने और स्त्री आदि के शरीरों को प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा अपवित्र समझते हुए भी जिसके कारण मनुष्य अपने शरीर में पवित्रता का अभिमान करता है और स्त्री पुरुष आदि के शरीरों से प्रेम करता है, यह अपवित्र में पवित्र की अनुभूति रूप क्या है, अविद्या है। तो देखो हमारा शरीर अनित्य है, इसको हम लोग नित्य समझते हैं। फिर ये इत्यादि के कारण क्या है, हम एक जो अपवित्र है ना, हमारा शरीर क्या है, ये इत्यादि इन सब से मिल करके बना है, तो इन सब के कारण क्या है, वो अपवित्र है, पर भी हम लोग उसको क्या है, पवित्र समझते हैं। फिर उसके बाद वैसे ही प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा विचार करने पर भी सभी भोग क्या है, दुख रूप है ना, लेकिन उसके बाद भी हम लोग क्या है, उसको सुख समझते हैं। तो क्या हुआ, ये इन सब की अनुभूति रूप क्या है, अविद्या है। यद्यपि यह बात थोड़ा सा विचार करते ही समझ में आ जाती है कि जड़ शरीर आत्मा नहीं है, तथापि मनुष्य इसी को अपना स्वरूप माने रहता है ना, और आत्मा इससे सर्वथा असंग और अचेतन है, इस बात का अनुभव नहीं कर सकता। इसी का नाम क्या है, अनात्मा में आत्मभाव का अनुभूति रूप क्या है, अविद्या है। मतलब हम लोग क्या है, शरीर को यथार्थ मानते हैं, है ना, और मतलब शरीर क्या है हमारा, जड़, और आत्मा क्या है, चेतन। तो जो शरीर है हम लोग उसी को क्या है, चेतन मानते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ, अनात्मा में आत्मभाव का अनुभूति रूप क्या है, अविद्या है। तो इस प्रकार अपवित्र में पवित्र, सॉरी अनित्य में नित्य को, अपवित्र में पवित्र और दुख में सुख का, और अनात्मा में आत्मा की अनुभूति करना क्या है, अविद्या है। आया समझ में? यस मैम। हुआ क्लियर? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब पहला पढ़ लिए हम लोग अविद्या। अब अविद्या के बाद हमारा जो दूसरा प्लेस है उसका नाम क्या है, अस्मिता। अब अस्मिता का स्वरूप बदलाती हूँ। तो दृक् दर्शन शक्ति और एकात्मते वास्मिता, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति इन दोनों का एक रूप सा एकात्मता है ना, एक रूप सा हो जाना क्या है, अस्मिता है। तो दृक् शक्ति अर्थात क्या, दृष्टा। दृष्टा किसको बोलते हैं, पुरुष को, है ना। मतलब पुरुष का जब चित्त के साथ, है ना, बुद्धि के साथ जब उसका संयोग करता है तब वो क्या कहलाता है, सॉरी हाँ वो क्या कहलाता है, दृष्टा कहलाता है ना। तो दृक् शक्ति किसको बोलते हैं, पुरुष को। इसी चैप्टर में और आगे आएगा ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो दृक् शक्ति किसको बोलते हैं, पुरुष को। तो दर्शन शक्ति क्या, अर्थात बुद्धि। ये दोनों सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। तो दृष्टा क्या है, चेतन है। पुरुष क्या होता है, हमारा चेतन होता है, सांख्य में सब लोग पढ़े ही होंगे, है ना। और बुद्धि क्या है, जड़ रूप है, और इनकी एकता हो ही नहीं सकती, तथापि अविद्या के कारण दोनों की एकता हो रही है, इसी को दृष्टा और दृश्य का संयोग कहते हैं। यही प्रकृति और पुरुष के स्वरूप की उपलब्धि का हेतु माना गया है, आगे पढ़ेंगे इसको, है ना। तो ये दोनों क्या है, सर्वथा दोनों भिन्न है, लेकिन हम दोनों को क्या है, एक समझते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, अस्मिता बोला जाता है। आया समझ में, दृक् शक्ति अर्थात पुरुष और दर्शन शक्ति अर्थात बुद्धि, इन दोनों को क्या है, हम लोग एक समझते हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है, अस्मिता कहा जाता है। आया समझ में? यस मैम। यस मैम। वन लाइनर भी इन सबको याद रखिएगा, है ना, क्योंकि जब उसमें आएगा एग्जाम में, है ना, तो वन लाइनर टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, और मैच कराने वाले भी आएंगे, उन सब में भी रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। अब उसके बाद पहला पढ़ लिए अविद्या, उसके बाद अस्मिता। अब तीसरे नंबर का हमारा प्लेस है, उसका क्या नाम है,
राग है ना, तो राग के विषय में सातवें नंबर का सूत्र है, उसमें कहा गया है सुखानुषयी रागः, तो सुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला जो क्लेश है उसका नाम क्या है, राग है। तो प्रकृतिस्थ जीव को जब कभी किसी अनुकूल पदार्थ में सुख की प्रतीति हुई है या होती है, उसमें और उसके निमित्तों में उसकी क्या है, आसक्ति या प्रीति हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं, राग कहते हैं। अतः इस राग नामक क्लेश को सुख की प्रतीति के बीच साथ रहने वाला कहा गया है। देखो कुछ भी चीज है क्या है, हमको अच्छा लगता है ना, जिससे हमको क्या है, सुख मिलता है, तो उसमें जब हम लोग क्या है आसक्त हो जाते हैं तब उसको क्या बोला जाता है, राग बोला जाता है। जैसे कि किस उदाहरण के द्वारा समझे, मुझे आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है, ठीक है, तो उस आइसक्रीम को खाती हूँ तो मुझे क्या है, खुशी मिलती है, सुख का अनुभव मुझे होता है ना, तो अब उसके प्रति क्या है, मैं आसक्त हो जाऊंगी, तो इसी को क्या बोला जाता है, राग बोला जाता है। अब इसी राग के जस्ट अपोजिट क्या होता है हमारा, द्वेष होता है ना, तो दुखानुषयी रागः, तो दुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला क्लेश क्या है, द्वेष है। अब आइसक्रीम मुझे अच्छा लगता था है ना, तो और क्या है, अब आइसक्रीम मुझे मिलना बंद हो गया है ना, अब जैसे ठंडी का मौसम आ गया या फिर जिस भी कारण से हो है ना, आइसक्रीम अब मुझे नहीं मिल पाया, तब क्या है, मैं दुखी हो जाऊंगी, तो ये जो दुख होगा ना, इसी को क्या बोला जाता है, द्वेष बोला जाता है, जिसके कारण मुझे ये दुख हो रहा है। तो मनुष्य को जब किसी प्रतिकूल पदार्थ में दुख की प्रतीति हुई है या होती है, उसमें और उसके निमित्तों में क्या है, उसका द्वेष हो जाता है, यथा या द्वेष क्लेश दुख की प्रतीति के पीछे या दुख के साथ साथ रहने वाला है। तो किसी अच्छे चीज को हम लोग चाह रहे हैं तब नहीं मिलता है, उसके कारण भी द्वेष होता है, या फिर प्रतिकूल पदार्थ में है ना। अब जैसे कि स्कूल में मेरे टीचर है ना, अब एक मैम है वो अच्छा पढ़ाती है ना, तो उनसे क्या है, पढ़ने का मन करता है तो अच्छा लगता है, क्यों, क्योंकि वो क्लास में क्या है, मैं अगर आंसर करती हूँ तो वो चॉकलेट देती है, ठीक है, तो उनका क्लास अटेंड करना मेरे को अच्छा लगता है, तो ये क्या कहलाएगा, राग कहलाएगा। अब एक है सर है ना, जो आंसर नहीं करोगे तो पनिशमेंट देते हैं, तो क्या है, प्रतिकूल पदार्थ हुआ है ना, प्रतिकूल परिस्थिति, तो उनका क्लास क्या है, अटेंड करने का मन नहीं करेगा है ना, तो अच्छा नहीं लगता उनके साथ रहना है ना, तो ये क्या कहलाएगा, द्वेष कहलाएगा। तो मनुष्य को जब किसी प्रतिकूल पदार्थ में दुख की प्रतीति हुई है या होती है, तो उसी को क्या कहा जाता है, द्वेष कहा जाता है। आया समझ में? यस मैम। आया समझ में? हाँ ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब अभिनिवेश नामक क्लेश का स्वरूप बदलाते हैं, तो स्वरश्वाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश, जो परंपरागत स्वभाव से चला आ रहा है, स्वरश वाही विदुषो अपि है ना, तो एक मिनट इसका, हाँ, तो स्वरश वाही अर्थात जो परंपरागत रूप से स्वभाव से चला आ रहा है, एवं विदुषो अर्थात क्या है, विवेकशील मनुष्यों के साथ साथ रूढ़, ठीक है, मतलब जो अज्ञानी व्यक्ति है उन सब में रूढ़ व्यक्ति है ना, तो विवेकशील मनुष्यों के मतलब अज्ञानी लोगों के साथ साथ जो मूल व्यक्ति है उसके साथ साथ जो विवेकशील मनुष्य है उनमें भी पाया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, अभिनिवेश। और ये जो क्या है अभिनिवेश, जो हमारा मृत्यु का जो भय है उसी को क्या बोला जाता है, अभिनिवेश। और ये किसमें चला आ रहा है, परंपरागत रूप से चला ही आ रहा है, और जो मूर्ख है वो तो इससे डरता ही है ना, जो जिसके पास विवेक नहीं है वो तो इससे डरता ही है, लेकिन जो विवेकशील मनुष्य है उसमें भी क्या है, ये डर देखा जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, अभिनिवेश है ना। जैसे कि ये एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छा दिया है ना, यह मरण भय रूप क्लेश सभी प्राणियों में अनादिकाल से स्वाभाविक है, अतः कोई भी जीव यह नहीं चाहता कि मैं ना रहूं, सभी अपनी विद्यमानता चाहते हैं, एक छोटे से छोटा कीट भी मरण से डर कर अपनी रक्षा का उपाय करता है, इससे पूर्व जन्म की सिद्धि होती है, क्योंकि यदि मरण दुख पहले किया हुआ नहीं होता तो उसका भय कैसे होता, यह मरण भय जीवों के अंतःकरण में इतना गहरा बैठा हुआ है कि मूर्ख के जैसा ही विवेकशील भी इसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसका नाम क्या, अभिनिवेश, अर्थात अत्यंत गहराई में प्रविष्ट रखा गया है ना। निवेश का मतलब ऐसे भी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मतलब जो गहराई प्रविष्ट कराना होता है ना,
वो जो अत्यंत गहराई में रहता है उसी को क्या बोला जाता है? अभिनिवेश। अब इसको कैसे समझेंगे? क्या बोलते हैं, बड़े बड़े क्या होते हैं, प्रवचन करता होते हैं, है ना? तो उन लोग इतना बोलेंगे इसके बारे में, क्या बोलते हैं, मतलब एक से एक प्रवचन देते हैं, है ना उन लोग। लेकिन मरने से क्या है, उन लोग भी डरते हैं। अब हम लोग सामान्य लोग जो हैं वो तो डर ही रहे हैं, लेकिन उनके पास तो विवेक है ना, वो लोग तो सारी सच्चाई जान रहे हैं, लेकिन उन लोग भी डरते हैं। तो इसी कारण कहा, क्या कहा गया है, जो मूर्ख व्यक्ति के साथ साथ विवेकशील मनुष्य में भी विद्यमान है। और उसके बाद क्या बोला गया है, स्वरस्वाई, अर्थात परंपरा से चला आ रहा है। तो इससे क्या है, जैसे चींटी है ना, तो वो क्या है, या फिर छोटा से जो छोटा जीव है वो भी क्या है, डर कर अपनी रक्षा का उपाय करता है ना, कि मैं मर ना जाऊं। तो इससे क्या है, पूर्व जन्म की सिद्धि होती है। क्यों? क्योंकि इससे पहले अगर उसकी मृत्यु नहीं हुई रहती है ना, तो वो जान पाता क्या कि दोबारा से मृत्यु हुई, अपनी रक्षा कर किसे रहा ताकि मेरी मृत्यु ना हो जाए, है ना। तो इससे पहले उसने मृत्यु का अनुभव किया हुआ है, तो इसी से क्या है, पूर्व जन्म की सिद्धि होती है ना। तो जो विवेकशील मनुष्य के साथ साथ मूर्ख व्यक्ति या फिर मूर्ख व्यक्ति के साथ साथ विवेकशील मनुष्यों में भी विद्यमान है और क्या है, परंपरागत स्वभाव से चला आ रहा है, इसको क्या बोला जाता है, अभिनिवेश। आया समझ में? यस मैम। अब उसके बाद क्या है, इन पांच, अब कितने प्रकार के, पांच प्रकार के हम लोगों ने क्लेश पढ़ ली। क्या है पहला, बोलिए, विद्या, अविद्या, अस्मिता, राग, अभिनिवेश, अभिनिवेश, है ना। और उसके बाद इन सब क्लेशों की अवस्था कितनी पढ़ी हम लोगों ने, चार अवस्था, चार, चार। कौन कौन सी है, उदार और उदार। हाँ, अब क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग क्लेश के बारे में, चैप्टर का शुरुआत किससे हुआ था, साधन पाठ का शुरुआत क्रिया योग से। हाँ, तो क्या क्या एडवांटेज है क्रिया योग का, समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च। हाँ, समाधि की सिद्धि और दूसरा क्या है, क्लेश को वो तनु कर देता है। तो अब क्लेश क्या है करके ही हम क्लेश के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये क्लेश को तनु करने का पहला उपाय क्या हो गया हमारा, क्रिया योग, ठीक है। संबंध को देखते हैं तब पता चलेगा। इन इन पांच प्रकार के क्लेशों को तनु अर्थात सूक्ष्म बना देने का उपाय क्रिया योग पहले ही बता चुके हैं, है ना, शुरू में ही हम लोग पढ़ लिए। अब क्रिया योग के द्वारा सूक्ष्म किए हुए क्लेशों का नाश किस उपाय से करना चाहिए, ये क्या है, अगले सूत्र में बता रहे हैं। तो दसवें नंबर के सूत्र में कहा गया है, देवव्रति प्रसव हेया सूक्ष्म, वे सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त क्लेश, क्रिया योग के द्वारा क्या है, उन सबको सूक्ष्म कर दिए, है ना। तो वे सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त क्लेश प्रति प्रसव हेया, अपने चित्त को अपने कारण में विलीन करने के साधन द्वारा क्या है, नष्ट करने के योग्य है। तो वो जो सूक्ष्म अवस्था जो प्राप्त हो चुका है, जो क्लेश है ना, वो क्या है, चित्त को अपने कारण में विलीन करने के साधन द्वारा नष्ट करने योग्य है। और ये साधन क्या क्या है, क्रिया योग या ध्यान योग द्वारा, ठीक है, ये सूक्ष्म किए हुए क्लेशों को नाश निर्भीत समाधि के द्वारा चित्त को उसमें उसके कारण में विलीन करके करना चाहिए। क्योंकि क्रिया योग या ध्यान द्वारा छीन कर दिए जाने पर भी जो लेश मात्र क्लेश तेज रह जाते हैं, उनका नाश दृष्टा और दृश्य के संयोग का अभाव होने पर ही होता है। सीधा इसका ये अर्थ है कि पहले उसको क्रिया योग के द्वारा नष्ट किए, है ना, फिर उसके बाद क्या है, ध्यान योग के द्वारा, अभी नेक्स्ट वाले में बताएंगे, है ना, उसके द्वारा क्या है, ये नष्ट करने के योग्य है, क्या, जो क्लेश है वो। तो पहला क्या हुआ हमारा, क्रिया योग। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले में ऐसे भी बताया गया है। अब क्लेशों को क्षीण करने का क्रिया योग से अतिरिक्त दूसरा साधन बतलाते हैं, उसमें तो क्या है, साधन द्वारा नष्ट करने योग्य है ऐसा करके बतलाया गया है ना। अब इसमें साधन क्या है, उसको बतलाया जा रहा है। तो उन क्लेशों की स्थूल वृत्तियां, सॉरी ध्यान है या सद वृत्तिया, तो उन क्लेशों की स्थूल वृत्तियां ध्यान के द्वारा नाश करने के योग्य है। अब उन क्लेशों की जो स्थूल वृत्तियां है, यदि उनका पूर्वोक्त क्रिया योग के द्वारा नाश करके उन क्लेशों को सूक्ष्म नहीं बना दिया गया हो,
तो पहले क्या है, ध्यान के द्वारा उनकी स्थूल वृत्तियों का नाश करके उनको सूक्ष्म बना लेना चाहिए। तो उन क्लेशों की जो स्थूल वृत्तियां हैं, यदि पूर्वोक्त क्रिया योग के द्वारा नाश करके उन क्लेशों को सूक्ष्म नहीं बना दिया गया, मतलब क्रिया योग का अभ्यास हम लोग नहीं किए हैं, तो उससे पहले क्या करने के लिए बोला गया है, ध्यान योग के द्वारा जो उसकी स्थूल वृत्तियां हैं, क्योंकि क्रिया योग का अभ्यास कर लिए रहेंगे तो वो क्या है, पहले ही सूक्ष्म हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं किए हैं तो उससे पहले क्या करना है, ध्यान योग का अभ्यास करना है और उसके द्वारा उसकी स्थूल वृत्तियों का नाश करके उनको सूक्ष्म बना लेना चाहिए, तभी निर्भीत समाधि की सिद्धि सुगमता से हो सकेगी। उसके बाद निर्भीत समाधि से क्लेशों का सर्वथा अभाव अपने आप हो जाएगा, है ना। तो अब दोनों के द्वारा ही क्या है, वो सूक्ष्म करने के योग्य है। पहला तो क्रिया योग बदला दिए, लेकिन अगर सपोज हम लोग क्रिया योग का अभ्यास नहीं किए हैं तो ध्यान योग के द्वारा भी क्या है, उसको सूक्ष्म किया जा सकता है। किसको किसको जी, क्लेशों को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। उपर्युक्त क्लेश किस प्रकार जीव के महान दुखों के कारण है, क्योंकि क्लेश का नाम क्लेश रखे ही क्यों है, क्योंकि वो जीवों के लिए महान दुख का कारण है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए अगला प्रकरण है वो आरंभ किया जाता है, है ना। अब यहाँ तक तो पढ़ लिए, लेकिन अब वो दुख का कारण है क्यों, तो इसको बदलाया गया है, है ना। तो 12वें नंबर का जो हमारा सूत्र है उसमें कहते हैं कि क्लेश मूलः कर्माशय दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीयः। तो क्लेश मूलक कर्माशय अर्थात कर्म संस्कारों का समुदाय। इससे पहले कर्माशय के बारे में कहाँ पढ़े हैं हम लोग, जल्दी बताइए कौन से नंबर के सूत्र में समाधि पाद में, समाधि पद साधन पद, हाँ सॉरी समाधि पद में 24 का सूत्र। यस वेरी गुड, क्या है सूत्र बताइए। क्लेश कर्म विपाक आसर परम निष्ठा को विशेष ईश्वर। यस वेरी गुड, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्लेश मूलक जो कर्म संस्कारों का समुदाय दृष्ट और अदृष्ट दोनों प्रकार के ही जन्मों में होगा जाने वाला है, तो क्लेश मूलक कर्माशय। ठीक है, एक मिनट। कर्मों के संस्कारों की जड़, इसी में से देखते हैं, क्लेश मूलक कर्म संस्कारों का समुदाय। तो ये जो कर्म संस्कारों का समुदाय है उसका मुख्य कारण क्या है, ये क्लेश ही है ना, उसका जड़। और इसका फल किस रूप में देखा जाता है, दृष्ट अर्थात वर्तमान जन्म में जो हमको दिखाई दे रहा है, और अदृष्ट अर्थात क्या, भविष्य में होने वाले दोनों प्रकार के ही जन्मों में क्या है, भोगा जाने वाला है। व्याख्या इसकी थोड़ी सी पढ़ते हैं। कर्म के संस्कारों की जड़ उपर्युक्त पांचों क्लेश ही है। ये पांचों जो हमारे जो हमारा कर्म संस्कार है वो बनता क्यों है, इन पांचों क्लेशों के कारण। तो इसका, इन कर्म संस्कारों का जड़ क्या हुआ, इसका कारण क्या हुआ, ये पांचों क्लेश और अविद्या आदि क्लेशों के न रहने पर किए हुए कर्मों से कर्माशय नहीं बनता है। तो देखो इससे पहले हम लोग जो समाधि पढ़े हैं, है ना, तो उसमें क्या है, जब असंप्रज्ञात समाधि हमको प्राप्त होती है, कब, जब विदेह योगी और प्रकृति लय योगी, इन सब के बारे में पढ़े हैं, है ना हम लोग, तो वो सब क्या है, कर्म करते हैं तो उनका क्या है, कर्माशय नहीं बनता है। क्यों, क्योंकि वो उनसे मुक्त हो जाए रहते हैं, है ना। मतलब जब ऋतंभरा प्रज्ञा इत्यादि प्राप्त होती है ना, तो उस समय क्या है, जो कर्म वगैरह के संस्कार नहीं बनते हैं, है ना, तो उसी को बोला गया है कि ये कहा गया, अविद्या आदि क्लेशों के न रहने पर किए हुए कर्मों से क्या है, कर्माशय नहीं बनता। अर्थात क्या है, ये क्लेश अगर सारे नष्ट हो गए हैं तो उसके बाद जो हम लोग कर्म करेंगे उसमें क्या है, कर्माशय नहीं बनेगा, अर्थात उस कर्म का हमको फल
नहीं मिलेगा, बल्कि वैसे राग द्वेष रहित निष्काम कर्म तो पूर्व संचित कर्माशय कभी नाश करने वाले होते हैं। तो ये निष्काम कर्म है ना, निष्काम कर्म बोलते क्या है, जिसके फलों में क्या है, हमको आसक्ति नहीं रहती, राग द्वेष इत्यादि को त्याग कर भी करते हैं, है ना। तो राग द्वेष आदि के आदि को त्याग करके जो हम लोग कर्म करते हैं वो क्या है, पूर्व संचित कर्माशय का भी नाश करने वाला होता है। तो पहले भी जो हम लोग कर्म किए हैं उसको भी क्या है, ये नष्ट कर देता है। तो यही क्लेश मूलक कर्माशय जिस प्रकार इस जन्म में दुख देता है ना, मतलब ये जो क्लेश है ये क्या है, मतलब कर्माशय का कारण ही क्या है, क्लेश है। तो इसी कारण क्या कहा गया है, क्लेश मूलक कर्माशय जिस प्रकार इस जन्म में दुख देता है उसी प्रकार क्या है, भविष्य में होने वाले जन्मों में भी क्या है, दुखदायक है। तो ये अभी तो कष्ट देगा ही, लेकिन उसके बाद भविष्य में भी क्या है, ये कष्ट देता है। अतः साधक को इसकी जड़ काट डालनी चाहिए, अर्थात पूर्वोक्त क्लेशों का सर्वथा नाश कर देना चाहिए। अब ये आया समझ में कि नहीं आया, इसमें डायरेक्ट ये बोला गया है कि जो हमारे कर्म संस्कार है ना, कर्माशय है हमारा, उसका कारण क्या है, उसका जड़ या उसका मूल क्या है, क्लेश है। और उसका फल हमको कब कब मिलता है, वर्तमान में भी मिलेगा, अभी जब तक हम लोग जीवित हैं तब तक तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। फिर उसके बाद आगे भविष्य में भी क्या है, हमको इसका फल मिलता है। आया समझ में? यस मैम। आया कि नहीं आया जी? यस मैम। हाँ ठीक है। अब उस कर्माशय का फल हाँ कब तक मिलता रहता है और वह क्या है, इसको स्पष्ट करते हैं। तो अब उसका फल हमको, ये जो हम लोगों ने कर्म किया है उसका फल हमको कब तक मिलेगा, इसके बारे में कहते हैं। तो 13 नंबर का सूत्र है, उसमें कहा गया है कि सती मूले तद्विपाको जात्यायुर भोगः, अर्थात जब तक, ठीक है, जब तक क्या है उसका ये मूल, अर्थात मूल के विद्यमान रहने तक, जब तक क्या है उसका जड़ है तब तक क्या है, तद्विपाको जात्यायुर भोगः। तो मूल के विद्यमान रहने तक उस कर्माशय का परिणाम पुनर्जन्म आयु और भोग होता रहता है। तो मूल के विद्यमान रहने तक, तो मूल क्या है हमारा कर्माशय का, क्लेश। हाँ यस वेरी गुड, है ना। तो क्लेश जब तक विद्यमान रहेंगे, तो पाक विपाक करके हमने पढ़ा था, उसी को क्या बोलते हैं, कर्म का फल, कर्माशय का जो परिणाम है कर्म का फल है, तो उसी को क्या बोला जाता है, विपाक बोला जाता है। तो उस कर्म का फल हमको क्या है, मूल के विद्यमान रहने तक, तो जब तक अविद्या आदि क्लेश रहेंगे तब तक उसका परिणाम हमको मिलता रहेगा। और किस रूप में मिलता रहेगा, जाति, ठीक है, अर्थात पुनर्जन्म, बार बार जब तक कर्म संस्कार हमारे बचे रहेंगे तब तक उसका फल भोगने के लिए क्या है, हमको जन्म लेते रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या है, आयु, मतलब जब तक कर्म का फल समाप्त नहीं होगा उस आयु तक क्या है, हम लोग जीवित रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, भोग। तो जब तक जो कर्म किए हैं, अगर अच्छा कर्म किए हैं तो सुख रूप में उसका मिलेगा वो, और उसके बाद अगर दुख पाप कर्म है तो क्या है, दुख रूप में क्या है उसका भोग, अर्थात मिलता ही रहेगा, ठीक है। तो जाति, आयु और भोग ये कब तक मिलते रहते हैं हम लोग, जब तक ये क्या है, क्लेश हमारा विद्यमान रहता है तब तक। एक बार व्याख्या देख लेते हैं, जब तक क्लेश रूप जड़ विद्यमान रहती है तब तक इस कर्म के संस्कार समुदाय का, कर्माशय का विपाक यानी परिणाम बार बार अच्छी बुरी योनियों में जन्म होता है ना, अच्छी और बुरी योनियों में जन्म होता है। कब तक, जब तक ये क्या है, क्लेश रूप क्या है, जड़ रूप में विद्यमान रहते हैं। उसके बाद वहां पर निश्चित आयु तक जीते हैं, बार बार अच्छी बुरी योनियों में जन्म होता है। तो इस यही क्या है, जाति, जाति का अर्थ किससे लिया गया है, जन्म से। जब तक कर्म संस्कार बचे रहेंगे तब तक क्या होगा, जन्म होगा। फिर उसके बाद क्या है, कब तक जीवित रहेंगे, मतलब कब तक हमको आयु प्राप्त होगी, जब तक उसका फल समाप्त नहीं हो जाता। फिर उसके बाद क्या है, मरण दुख को भोगना और जीवन अवस्था में विवेक दृष्टि से किस आयु तक जीते रहकर फिर मरण दुख को भोगना और जीवन अवस्था में जो विवेक दृष्टि से सभी दुख रूप है ऐसे भोगों का संबंध होना, ऐसे तीन प्रकार का होता है। तो इसमें डायरेक्ट ये बोला गया है कि जो कर्माशय है उसका मूल कारण क्या है, जो हमारे पंच क्लेश है वो, हाँ, जो हमारे पंच क्लेश है उसका मूल कारण क्या है, जो हमारे अविद्या आदि क्लेश है वो,
और ये इसका फल हमको कब तक मिलता रहता है, मतलब जाति आयु और भोग के रूप में कब तक मिलता है, जब तक क्या है उसका जो क्लेश है वो विद्यमान रहता है। तो जाति का अर्थ क्या है, जन्म से है, बार बार जन्म होगा जब तक हमारा क्लेश समाप्त नहीं हो जाता, कर्म संस्कार समाप्त नहीं हो जाता। फिर उसके बाद क्या है, आयु, जैसे कि आयु का मतलब जब तक मैं जीवित, मेरा कर्म संस्कार समाप्त नहीं हो जाता तब तक क्या है, मेरी आयु रहती है। तो इसको किससे समझ सकते हैं, आप लोगों ने सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति के बारे में पढ़ा होगा, है ना। सदेह मुक्ति का जो साधक रहता है ना, उसका मतलब वो तो समाप्त हो जाया रहता है ना, उसको मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष के लिए वो उतना ज्ञान अर्जित कर लिए रहते हैं, लेकिन वो तब उसके बाद भी जीवित रहता है। क्यों, क्योंकि उससे पहले जो उसने कर्म किए हैं, है ना, उसका क्या है, उसको फल भोगना बचा रहता है, लेकिन वो जो अभी कर्म करते रहता है उसका क्या है, उसको फल नहीं मिलता। क्यों, क्योंकि उसका क्या है, राग द्वेष इत्यादि नष्ट हो गया है और वो क्या है, निष्काम भाव हो गया कर्म करता है, इस कारण उसका कर्माशय नहीं बनता है। ऊपर में हमने पढ़ा है ना इसी चीज को, राग द्वेष रहित होकर के निष्काम कर्म करते हैं तो उससे क्या है, वो नष्ट हो जाता है, मतलब उसका फल नहीं मिलता, लेकिन पूर्व जन्म में जो हम कर्म किए हैं वो क्या है, हमारा बचा रहता है, इसी कारण क्या है, वो जीवित रहता है। लेकिन क्या है, जो राग द्वेष रहित होकर निष्काम कर्म करते हैं वो पूर्व संचित क्या है, उसको भी नष्ट करने वाला होता है, ये कहा गया है गीता के अनुसार, ठीक है, इसमें नहीं बोला गया है ऐसा, इस गीता के अनुसार बोला गया है। तो इसी कारण तब जब तक ये उसका मूल विद्यमान रहेगा तब तक हमको जाति मिलेगी, बार बार जन्म होगा, और जब तक हमारा कर्म का संस्कार समाप्त नहीं हुआ जाता तब तक क्या है, हम लोग जीवित रहते हैं, और उसके बाद क्या है, उसी के अनुरूप हमको क्या है, जन्म और मरण रूप क्या है, दुख को भोगना पड़ता है। ठीक है, आया समझ में? यस मैम। हाँ चलिए, 26 हो गया है, 4 मिनट ही बाकी है, आज की कक्षा यहीं तक करते हैं, बाकी का कल पढ़ेंगे। आया आप सभी को समझ में? रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेते हैं, बताइए आया आप सभी को समझ में? यस मैम। किसी को किसी भी सूत्र में डाउट